लाइव में खुश आमदीद इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और स्टूडियो से बाहर निकल कर आए हैं। कराची में दो ही शौक हैं लोगों के, या तो उनको खाना खाना पसंद है या फिर उन्हें घूमना पसंद है, लेकिन कराची में अनफॉर्चुनेटली इतनी जगह है नहीं जो कि आप जहाँ पर जाके जो तफरीही मुकामात आप जिनको कहते हैं वो कम हैं, और दो चार जो हैं वो बहुत पुराने हैं, तो लोगों का जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है उनके साथ वो बंधा हुआ है, तो वो बार बार वहाँ आना पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ अलादीन अम्यूज़मेंट पार्क की। हमारा बचपना है उससे रिलेटेड, हमें हमारी मेमोरीज़ हैं अलादीन अम्यूज़मेंट पार्क के साथ, लेकिन जाहिर है इट्स बिन दो डेकेड से ज़्यादा, दो दहाइयों से ज़्यादा का अरसा जो है अलादीन अम्यूज़मेंट पार्क कराची में मौजूद है गुलशन इकबाल में, और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व करती हैं, लोग इवॉल्व करते हैं तो जगह भी इवॉल्व करती हैं। आज हमने सोचा बहुत अरसे बाद, आई डोंट नो, आई तो डोंट रिमेंबर कि मैं कितने सालों बाद यहाँ पर आई हूँ, लेकिन बहुत डिफरेंट माहौल है, बहुत डिफरेंट राइड्स मुझे देखने को मिली। बच्चों का एक प्रॉपर एरिया बनाया हुआ है, फ़न एंड फूड में हम मौजूद हैं, जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम है लोगों के लिए, और साथ ही साथ वो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम की है, जाहिर है जो बच्चे आते हैं यहाँ पे वो बड़ी बड़ी राइड्स में नहीं बैठ सकते, तो वो छोटे बच्चे यहाँ पे आके उसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ऑपरेशन मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। मेजर नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलादीन कब बना, कैसे बना, क्या आइडिया था? आइडिया बेसिकली फैमिलीज़ को एंटरटेन करना, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हाउएवर वक्त के साथ साथ और ग्रेजुअली इसमें तब्दीली आती रही, अमेंडमेंट आती रही, मुख्तलिफ चीज़ें हम इंक्रीज़ करते रहे। सही। लास्ट ये जो एक साल गुजरा है, जो लोग एक साल पहले अलादीन आए और अब आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि अलादीन इज़ कम्प्लीटली चेंज। बिल्कुल, मैं वही देख रही थी। जी हाँ, तो इस एक साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कम्प्लीट चेंज कर दिया। जो एक ये कॉन्सेप्ट था फैमिली पार्क का, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हुआ था हालात की वजह से, तो और कुछ फैमिलीज़ ने आना कम कर दिया था, लेकिन अभी माशाल्लाह इस एक साल में हमने इसको बहुत इम्प्रूव किया है, और ये पार्क इस वक्त एक कंप्लीट फैमिली पार्क है। यहाँ फैमिलीज़ आ रही हैं, जैसे कि आपने मुशाहिदा किया, मेरा ख्याल आपका कैमरा दिखा सकता है कि जिस तरह ग्रुप में बच्चों के साथ फैमिलीज़ आ रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये वाले राइड्स का बताएं थोड़ा सा कि ये कब इनॉग्रेट हुई, कब बनी, ये कहाँ से? 2014 दिसंबर में इसका इफ्तिताह। अच्छा, हुआ दो था। साल पहले ही हुआ जी, है। दो साल पहले हुआ। अच्छा, और इसमें कुछ राइड इम्पोर्टेड हैं, कुछ पाकिस्तान मेड हैं, और जो है ना किडी राइड्स कहलाती हैं। ठीक है जी। और ये इसका भी कोई टिकट है, या टिकट्स कहाँ से लेते हैं, क्या होता है? पॉइंट्स होता है। पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? टिकट काउंटर से। अच्छा जी, यहाँ है टिकट काउंटर। और कितने का कॉइन है, मतलब 10 रुपीज़ का एक कॉइन्स होता है, और जिसमें मुख्तलिफ एक कॉइन, किसी में दो डलते हैं, किसी में एक डलते हैं, किसी में तीन डलते हैं। ठीक है, हॉल में से पास करना। अरे हॉल में नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है वैसे। नहीं, मुझसे नहीं हो सकता ये। 5 पिक्स में से आपने स्कोर करना है, 25, फिर उसके बाद 75, तो टोटल आपने 100 प्लस करना है। चाहे आप 25 दो दफ़ा कर दें, 58 टोटल 100 आपने स्कोर कर लिया, तो आप टिकट मिलते हैं आपको बहुत सारे। और अगर आप 70 भी कर जाएं तो आपको छोटा स्टफ टॉयज मिलेगा स्मॉल साइज में। अच्छा चलें जी, ये भी बहुत मज़ेदार है, और बच्चों के लिए वो तमाम तरह लोग जो कि राइड से शायद डरते हों हमारी तरह हों, तो वो यहाँ पे आके इसको बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। वी हैव वेलक्रो डार्ट गेम है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना होता है? इसमें आपने स्कोर कलर चूज करना है, किस कलर पर आपने जो है ना स्कोर करना है। ये बच्चों का एरिया है, इसलिए आसान आसान राइड्स हैं यहाँ पर। ये 19 और 5, 24 स्कोर हो गया, हो गया 24, ना? दे, 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 ये अच्छा है, ये आसान है, हट जाए। हाफ मिस हो गया, ये भी बिल्कुल बस सही है। ठीक है ना, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। आर्चरी है, अरे वाह, 2 मिनट यहाँ लगाते हैं जल्दी से। चलो भाई आर्चरी सेंटर नंबर 2 पे आपने निशाना लगाना होगा, अगर लगाते हैं 2 बार तो आपको छोटा टॉय मिलेगा, अगर आप 3 बार लगा देते हैं तो आपको बड़ा टॉय मिलेगा। बस यहाँ से आप छोड़िएगा एन बना के, लेकिन आप मिस कर गए। दोबारा लगाएं इसमें, कुछ वो नहीं होता जिसे आप आँख आप निशाना लगा सकें, मतलब ऐसे ही एम इसमें नहीं होता। एम हाँ मिस हो गया, मिस हो गया।
कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग। बड़ा मुश्किल, आपके ना ये स्टिक नहीं हो रहे। चल थैंक यू भाई, नेक्स्ट बास्केटबॉल पे आ जाते हैं, जल्दी खेल के ना फिर हम बाहर जाएंगे। टॉय मिलेगा, फाइव चांसेस होंगे, फाइव चांसेस होंगे और आपने थ्री बास्केट करनी होगी। थ्री बास्केट करते हैं तो आपको टेडी बेयर आपको। नहीं नहीं मिस हो गया, ये 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 काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। स्टफ का तो मैं लेके जाऊंगी यहाँ से अभी। मिस हो गया, हल्के से हल्के करके मारू ना शायद। नहीं जब तक मैं डालूंगी ना तीन ये तब तक। जबरदस्त ट्राई, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, लास्ट है। ओके वन सेकंड, ठीक है, थ्री फर्स्ट टारगेट आपका बैलून होगा, सेकंड स्ट्रॉ, थर्ड कॉइन, तीनों चीजों को शूट करने पे बड़ा टॉय मिलेगा। फर्स्ट मिस कर दिया, लास्ट चांस, इस पे बैलून हिट हो गया तो स्टफ कर देगा। अरे नहीं भी होगा तो दे दो यार, लाए डॉट गेम है हमारे पास और इसमें आपके पास फाइव डॉट्स होंगे। थ्री बैलून्स फाड़ने पे छोटा टेडी बेयर मिलेगा और फाइव बैलून्स फाड़ने पे बड़ा टेडी बेयर मिलेगा आपको। तो डॉट्स लगाने हैं, आप करें जरा। जबरदस्त, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त, वेरी गुड। ये रिंग टॉस है हमारे पास, इसमें आपके पास फाइव रिंग्स होंगे, थ्री रिंग्स आपने बॉटल के अंदर डालने होंगे, डालते हैं तो टेडी बेयर आपको मिलेगा। ठीक है चलो ट्राई करते हैं, बहुत मुश्किल है, बच्चे कैसे खेलते हैं ये। लेकिन कोई भी गेम होता है ट्रिक टेक्निक से खेला जाता है, ये चीटिंग कर रहे हैं आप। तालियां बजाओ मेरे सब। अच्छा थैंक यू, जोक्स अपार्ट, ये तो इंशाल्लाह अगले बार जब कभी आएंगे तो करेंगे। ये क्या है, क्रेजी ड्राइवर गेम है ये, इसमें जो है ना बॉल आपने इसमें बैलेंस रखना है आपने और सेंटर से बॉल छोड़ जाएगी। तीन हॉल्स हैं, किसी भी हॉल के अंदर से आपने तीन बार बॉल को ड्रॉप करना होगा, फाइव चांसेस होंगे आपके पास। ठीक है चलें, इसको पकड़ लीजिएगा। पकड़ लिया, जोर से पकड़। रेडी रेडी, उया दोबारा, रेडी चलें। बड़ा मुश्किल है, चलें दोबारा दोबारा, हल्का हल्का करें इसको थोड़ा। रेडी, हाँ आई। अच्छा जी ये क्या है, फिंगर फ्रॉग गेम है, इसमें भी जो है ना आपके पास तीन चांसेस हैं, हैमर से आपने जो है ना इसको पंच करना है, उसके बाद सर्कल में आपने इसको फ्रॉग, अगर वो सर्कल में चला गया जी बिल्कुल तो आप विन कर जाएंगे। गुड ट्राई, अरे यार थोड़ा और जोर से, ये चला तो गया, चला तो गया। गुड ट्राई, नहीं गया, बीच में जाना है, आप लोग स्टफ ट्राई देना ही नहीं चाह रहे ना, इतना खेला मैंने यार। अच्छा जी ये क्या है, लास्ट कलर मैच गेम है, इसमें कलर मैच करना है आपने, किसी भी सेम कलर में आपने तीन बॉल्स जो है ना तो करने हैं। थ्री बॉल्स हैं और आपने इनके मुंह के अंदर बॉल डालनी है, तीन चांसेस में दो कम से कम जानी चाहिए आपकी तो विनर। ये ले डाले, बच्चे कैसे खेलेंगे, खेल लेते हैं बच्चे इजीली, ट्राई करते हैं। नहीं दिस इज वेरी नाइस, आपका नाम क्या भाई? अवैस रजा के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अवैस भाई थैंक यू वेरी मच, और स्टफ टॉय एक भी ना मिला, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी नाइस, और अपनी फैमिली के साथ आप जरूर आइए और आप बहुत इंजॉय भी करेंगे, और बच्चों के लिए एक अंडर वन रूफ हर चीज़ अवेलेबल है, लाइन से बच्चे खेलते हुए जाएँ, मज़ेदार सा गेम है। हाँ जी तो बच्चों के एरिया से अब हम बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा बड़ों में आए हैं,
बच्चों का तो बहुत मज़ेदार था, पूरा कार्निवल है, बच्चे बड़ा इन्जॉय करेंगे आई एम श्योर। ये और ही नया बना है, ये पहले नहीं था, तो इट्स बिन ओनली टू ईयर्स नाउ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर मेरा लेफ्ट पे आपको मैं दिखाऊँ, राइट पे आपको दिखाए मेरा कैमरा, तो ये वही पुरानी हमारी राइड्स हैं जो कि एक ज़माने से अलादीन में मौजूद हैं। उसमें भी हम आपको भी थोड़ी सी देर में लेके जाएंगे, लेकिन अभी हम मौजूद हैं अलादीन ट्रेन पर। और ट्रेन हमेशा जब भी अम्यूजमेंट पार्क्स आते हैं तो मेरा एक रूल है, एक रूटीन है कि मैं अकेले नहीं बैठती, पूरी टीम साथ लेके बैठती हूँ। तो पूरी टीम को तो मैंने ऊपर बिठा दिया है, अब मेरी बारी है। तो आइए आप मेरे साथ चलिए, इस ट्रेन का हिस्सा बनिए, इन्जॉय कीजिए घर पे बैठकर। चलें जी, हम आ गए हैं एंट्री। 300 वाले रिस्ट बैंड की सहूलत मौजूद है, 5 साल के बच्चे का पूरा टिकट होगा, ठीक है। हाँ जी, चले आए, सेफ है ना ये? सो फार सेफ है। आज कौन चलाएगा? ये जिनी चलाएगा। ये आप चलाते हैं? ये चलाता कौन है? अच्छा, ऑटो पे चलती है। हाँ जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं मेजर नाजिश और जिनी जो है ये ट्रेन चला रहे हैं। क्या स्पीड है इसकी, कुछ पता है सर आपको? इसकी स्पीड सेफ है, आप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तेज नहीं चलती है? नहीं, ये बच्चों की राइड है, बेसिकली फैमिली राइड है। इसके अंदर जो है तमाम फैमिली के साथ आप बैठते हैं। अच्छा। तो इस वजह से हमने इसकी स्पीड को कंट्रोल रखा है, ज़्यादा फास्ट नहीं करते आप लोग, ठीक है। और आप अभी देख सकते हैं पूरा आपको दिखता है अलादीन यहाँ से, फूड एंड फन कोर्ट जहाँ पे हम अभी आए थे थोड़ी देर पहले। और हमने यहाँ पे पूरा खाने पीने का इंतज़ाम भी है। ये जो है बच्चों के लिए ट्रेन बनाई गई है फैमिलीज़ के साथ। और मेरे यहाँ पे आप राइट पे नीचे देख सकते हैं, जिनकी राइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत पुरानी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं, मैरी गो राउंड भी है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बड़ी राइड्स की तरफ जाएँ। ये क्या है ग्रीन, अगर कैमरा मैन दिखाए? बाउंस है, जिसके अंदर बच्चे जंपिंग करते हैं। 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स हम इसमें टाइम अलाउ करते हैं, ठीक है। और इट्स अ वेरी फंटास्टिक किस्म की एक्टिविटी है। हमारे साथ राइड पे इस वक्त शेक ऑफ आ रहा है, एक बहुत अच्छी राइड है ये। और अच्छा, ये जो है जी शेक ऑफ के नाम से। जी हम आ गए हैं एंड पे और ये बच्चों की थी ट्रेन, तो शुक्र है साथ खरीद से पहुंच गए। अभी हम आपको फ्री फॉल लेके चलते हैं जहाँ पे, जो कि एडवेंचर राइड है इनकी, एंड डिफरेंट जोन्स हैं यहाँ पे। थोड़ा सा थैंक यू जिनी, बहुत बहुत शुक्रिया जिनी, टेक केयर, थैंक यू। कहाँ से जाएं, यहाँ से? चलो क्या नाम है? रिजवान। रिजवान, अभी आप कब आए थे अलादीन? अभी आए हो? थोड़ी देर के पहले आया था, 5 मिनट हो गए। 5 मिनट हो गए, इस पे बैठे थे ट्रेन पे, मज़ा आया? जी बहुत मज़ा आया। तो बड़ी बड़ी राइड्स पे नहीं बैठे आप? बैठा था, लेकिन उन बड़े बच्चे थे जो उनने उतार दिया। तो अम्मा अब्बा के साथ आए, किसके साथ आए? मैं अपनी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आए, मज़ा आया? मज़ा आ रहा है, चलो आपको भी मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी राइड कौन सी लगी अभी तक? कौन सी? अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अब प्री फॉल की तरफ। अच्छा, इसमें ऊपर जाके आप बोट पे बैठते हैं और बोट पानी के अंदर से जाती है, तो कपड़े बड़े गीले होते हैं, क्या होता है? अच्छा, हाँ ये हम आपको दिखा देते हैं बच्चों के भी, और भी जो राइड्स हैं यहाँ पर। वी हैव दिस, जेब कतरों से होशियार हैं, अपने सामान और बच्चों की हिफाजत खुद करें, किसी नुकसान की सूरत में इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है जी। और यहाँ पे बच्चे जैसे कि ये बैठी हुई हैं, इन्जॉय कर रही हैं बहुत सारा। ज़रा चलाएँ इसको, अरे वाह, कितने का टिकट है इसका? 40 का, 40 रुपीज़ का। What is it called? It's Jumping Star, उसका टिकट 30 का है। Jumping Star, और इसका बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, मज़ा आ रहे, डर तो नहीं लग रहा, मज़ेदार 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 मज़ेदार। कितने लोगों की आमद होती है एक दिन में यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा बताइए? ये डिपेंड करता है वेदर और दिन की मुनासबत से, कि अगर वीकेंड है तो 8 से 10 हज़ार लोग, समटाइम मोर देन दैट। अच्छा, पर डे? ओवर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड, ठीक है। वर्किंग डेज में अगर वेदर अच्छा है तो फिर
वर्किंग डेज में तो ज़्यादा रश भी कम होता होगा। जी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा ये टावर है, इस पे बैठ जाते हैं, अभी मौजूद है टावर पे, और टावर पे हम जाएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत भी जुटानी पड़ती है, इतना ऊंचा है ये, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी जुटाएंगे, पूरी टीम को यहाँ बिठाऊंगी और उसके बाद फिर हम टावर की राइड लेंगे और आप पूरा अलादीन यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं चाय टाइम फ्रॉम अलादीन अम्यूजमेंट पार्क, एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक।